एक प्रेम करता है ना, नाम से पता चल रहा है। क्लास में ध्यान ही नहीं देता है हमको, क्लास में सीरियस है आप, ये कुछ आए हैं ना, जैसे टाइम नहीं चल रहा है, टाइम चला जाएगा वापस नहीं आएगा रिवर्स में, समझे? फिर कल का आएगा दिन, कल अलग क्लास चलेगा, कल अलग टॉपिक रहेगा, इसीलिए टाइम का जो आपको आपके पास टाइम है, टाइम का यूज कीजिए और सही यूज कीजिए। कहीं भी आप टाइम दे रहे हैं आधा घंटा, याद रखिएगा, कहीं पर भी आप टाइम देते हैं आधा घंटा एक घंटा, कहीं पर भी टाइम का सदुपयोग कीजिए। ये नहीं जाना बैठना आ जाना बगल में एक है क्लास, कोई भी क्लास आप जाते हैं, कहीं भी क्लास करते हो, वहाँ पे सीखने के लिए सीखने की कोशिश कीजिए। हर एक माइंड ये चीज़ बैठा रखिए, आज हमको नया चीज़ सीखना है, ठीक है ना? ये हमेशा अगर डेली आप करेगा, अब एक एक दिन आपको नया चीज़ सीखना है, समझ जितना दिन क्लास चलेगा उतना चीज़ आप सीख जाइएगा, ठीक है ना? जो चीज़ सीखते हैं उसको नोट डाउन कर लीजिए, अपना जो कॉपी है नोट नोटबुक है, समझे? घर जाके एक बार रिविजन जरूर किया कीजिए, बैठ जाइए, चलिए इम्पैक्ट में लीजिएगा। तो लेडी लिखे थे ना, चलिए रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेवार, सक्षम, कर्तव्य करता सक्षम, इट इज रिस्पॉन्सिबल टू पे इन page and character both at a time, at a time लिखिएगा इसका जो टाइप है, ठीक है? एरो वन में लिखिएगा, फर्स्ट एरो में डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ये जो आपका टाइप राइटर वाला प्रिंटर होता है, कौन इंसेक्ट प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स, हाँ डॉट मैट्रिक्स, एरो कीजिए डॉट मैट्रिक्स, सर यस नो मैं यहाँ पे यही लिखा था, लिखे उसका अलग मीनिंग आ जाएगा। इट इज ए कैरेक्टर प्रिंटर, बताए थे आपको कैरेक्टर प्रिंटर में टाइप राइटर वाला जो होता है, बताए थे ना प्रीवियस क्लास में, क्या करता है उसका जो लेटर होता है
अलग अलग होता है, एक बार प्रिंट टाइप करते हैं ठीक लेटर प्रिंट होता है, उसके बाद पेज को फिर खसकाते हैं, हल्का स्लाइड होती जाता है ना। लिखे इसमें देखिए दो तरह का आता है प्रिंटर, कौन सा टाइपराइटर जो होता है दो तरह का होता है, एक होता है 80 कॉलम वाला और एक होता है 132 कॉलम वाला। इसमें दिया हुआ है, आप लोग पढ़े होंगे तो मालूम होगा। देखिए इसमें जो है ना, देखिए कब इसमें छोटा वाला भी आता है बड़ा वाला भी आता है, तो छोटा 80 कॉलम रहेगा मतलब 80 लाइन उसमें लिखाएगा एक बार, समझे। और क्या होता है 132, ठीक है, दो टाइप में आता है। इसमें लिखिएगा एक कॉम्स ऐसे लिखे इसी में दो वैरायटी, दो वैरायटी मारता हटाकर डॉट्स
it measured 8 dots per inch. सर कॉलम क्या जानकारी कहाँ पे कॉलम 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 स्पेलिंग उसका वही होता है। हाँ उसका स्पेलिंग वही होता है। मालूम था तो ये क्वेश्चन पूछे। जैसे नॉलेज में क्या पढ़ते हैं, नॉलेज जब लिखाता है या नो लिखाता है फर्स्ट लेटर क्या होता है, ये होता है। जब इंग्लिश का भी रीडिंग कीजिएगा उसमें साइलेंट वर्ड आता है टॉपिक, बहुत सारे वर्ड जिसमें साइलेंट रहता है, ठीक है। जैसे क्या पढ़ते हैं सर, जज में भी साइलेंट, नाइट नाइट पढ़ते हैं, नाइट में भी के साइलेंट है, जज में भी डी साइलेंट है, नॉलेज में भी के साइलेंट है, डी साइलेंट है। समझे सर, पहले मतलब नाइट में जैसे के भी लगता है, वो जो के लगता है वो आता है क्या क्रिकेटर के का नाम है, ऐसे क्या नाम उसके स्पेलिंग नाम लिखते जाते हैं, ऐसे लिखते हैं किसी के नाम में। हाँ किसी के नाम में लगता है, हाँ टीम का एक नाम है। जैसे आपका कुछ है सी एस के का फुल फॉर्म क्या होता है, पहले तो बताइए किंग्स होता है, उसी तरह एक नाइट करके टीम का नाम है, शायद हमको ध्यान में नहीं आया, यही है यहाँ पे जी एस साइलेंट। सेकेंड लिखिएगा उसमें इंटरप्रेटर का डेजी व्हील प्रिंटर, डेजी डेजी डेजी, हाँ ये सर ये फर्स्ट हो गया, इसको सेकंड पॉइंट कर लीजिएगा। आई थिंक क्या लिखिए ये प्रिंटर जो है ना व्हील मतलब होता है, व्हील जैसे रहता है, व्हील मतलब क्या होता है चक्का, चक्का जैसे रहता है गोल गोल, समझे। इसको जो है देखते नहीं होंगे, यहाँ नहीं बताऊंगा, इस तरह से रहता है बीच में, यहाँ ध्यान दीजिएगा बीच में जो है ये सब लेटर बना रहता है, इस तरह से कीबोर्ड इस तरह से बना रहता है, समझे। इस तरह से कीबोर्ड रहता है, इसके जो बाहर होता है यहाँ पे क्या रहता है, इसका सब बटन से रहता है बाहर की तरफ, यही नाम है डेजी व्हील प्रिंटर। जैसे टाइपराइटर होता है, हाँ टाइपराइटर क्या सीधा होता है, इसे टाइप करते रहते ये होता है घुमा घुमा टाइप करने वाला, सर खाली फोन करने वाला हो गया, हाँ फोन करने वाला हो गया, फोन करने वाला हो गया, ये फोन करने वाला नहीं है सर, हाइपर में सही है हाइपर, हाँ देखे होंगे, ये हो गया क्या डेजी व्हील प्रिंटर। देखिए यहाँ पे इस तरह से इसका लेटर लगा रहता है, घूमते रहता है, घूमते नहीं रहता है, घुमा घुमा के हाँ इसके नीचे पहिया लगा रहता है, चक्का लगा रहता है, इस तरह से इसका क्या होता है बटन कीबोर्ड रहता है, ठीक है। सब यहाँ पे इसके नीचे पेज लगा दिया जाता है, इसको क्या है इसे घुमा घुमा के टाइप किया जाता है, समझे। लिखिएगा इसे, हाँ सब एक पतला पतला अक्षर लगा रहता है, समझे, ठीक है। इसके लिए आपको ये मॉडल बताऊं, लिखिएगा इट इज अ टाइप ऑफ
ए टाइप ऑफ इंटैक्ट प्रिंटर इंटैक्टेड टाइप लिखिएगा प्रिंटर ये टाइप ऑफ इंटैक्ट प्रिंटर लिखते जाइए आवाज करता है लेकिन टाइपराइटर कैसे आवाज सुनते हैं
जब तक पूरा कंप्लीट नहीं हुआ पेज तब तक कान में खट 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 आवाज आती है। देखिएगा इसमें लाइन चेंज करके there are three types of printer. इसका क्या है? थ्री टाइप्स है। फर्स्ट में लिखिएगा इंकजेट प्रिंटर, हाँ स्टार दीजिए या एरो दीजिए, फर्स्ट पॉइंट बनाइएगा इंकजेट, इंकजेट इंकजेट जेन नहीं निशान बन गया, ठीक है निशान था लाइन चेंज कर दिया। इंकजेट प्रिंटर लिखिएगा, इट इज ए नन इंपैक्ट कैरेक्टर प्रिंटर, इट इज ए नन इंपैक्ट कैरेक्टर प्रिंटर प्रिंटर लिखिएगा, इट इज ए क्या कैरेक्टर प्रिंटर लिखिएगा, इट वर्क में एस लगा लीजिएगा, इट वर्क्स इट में नहीं वर्क में वर्क में एस लगा, इट वर्क्स और हाँ और इंकजेट टेक्निक इसमें लिखिएगा, आगे लिखते जाएगा, इट हैज टू टाइप्स, लाइन चेंज करके इट हैज टू टाइप्स बस इसके बाद ठीक है इट हैज टू टाइप्स ए नंबर देख लीजिएगा मोनो, अब बी नंबर देख लीजिएगा कलर देखिए, आपको पता है कि स्पेलिंग बहुत होता है, यहाँ पे देख लीजिए COLOR मोनो एंड कलर, मैंने देख लीजिए हाँ मोनो मतलब हो गया ब्लैक एंड व्हाइट, कलर मतलब हो गया कलर प्रिंटर, ठीक है अभी आपको दुकान देखते हैं दोनों रहता है रहता है ना, आपको कलर निकालना है कलर पे क्लिक कर दीजिए, अब ब्लैक एंड व्हाइट निकालना है ब्लैक एंड व्हाइट पे क्लिक कर दीजिए, रहता है ना, यही है ये इंकजेट प्रिंटर,
लिखिएगा इसमें। अब इसमें देखिए इंक भरने के लिए क्या लगाया जाता है मालूम है सब? हाँ कार्टेज खराब हो गया एक प्रिंटर का, ऐसा सुने है ना? इसी लेते जाएगा डी लगा लीजिएगा जी, जी से पहले टी आर आई डी जी सर का इंक भरने के लिए हम लोग क्या करते हैं उसमें कार्ट्रिज का यूज करते हैं, समझे? अपना बात खत्म।